मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नगर परिषद ढवौरा में नेहा तिवारी के द्वारा पुलिस आवास एवं एसडीओपी कार्यालय ढवौरा के सामने वेयर हाउस बनवाया गया है। इस वेयर हाउस में मध्य प्रदेश शासन के खाद निगम के द्वारा क्रय किए गए गेहूं का भंडारण किया गया है। बताते हैं कि वेयर हाउस में रखे सामान की सुरक्षा के लिए चौकीदार भी नियुक्त किए गए हैं, फिर भी वेयर हाउस में गेहूं की चोरी रात्रि में की जाती है। इसका प्रमाण तब मिला जब चरवाहों के द्वारा बनाई गई वीडियो वायरल हुई। वेयर हाउस से लगे जंगल में बोरियों तथा फैला हुआ गेहूं नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि वेयर हाउस की चाबी किसके पास रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि शासन द्वारा खरीदी 50 किलो की जाती है, लेकिन जब यही गेहूँ की बोरी सेवा सहकारी समितियों में उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए आती है तो 52 से लेकर 54 की हो जाती है। शायद बोरियों को खोलकर किसी तरह का केमिकल अथवा पाउडर मिलाया जाता होगा ताकि बोरियों का वजन बढ़ जाए और उसी हिसाब से गेहूं निकालकर वेयर हाउस की सुरक्षा में लगे चौकीदार सहित मालिक मैनेजर के द्वारा चोरी कराई जाती है। बताते हैं कि वेयर हाउस के मालिक का कोई एक रिश्तेदार चौकीदार भी है। सच्चाई का पर्दाफाश तो जांच के बाद होगा। ग्रामीण बच्चों के द्वारा बनाई गई वीडियो देखकर शासन प्रशासन खुद देख सकता है कि कितने आज़ादी के साथ गेहूं की चोरी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस गेहूं की चोरी तथा गोदाम में की गई भंडारण का तत्काल जाँच कराई जाए। आप भी देखिए गेहूँ की चोरी का लाइव वीडियो। मैं यहाँ ढवौरा का, इधर गुंता। सच्चाई ये है कि हम लोग इधर घर पे थे। अच्छा। तो उधर एक जंगल में बल्लू नाम का छेरी चरवाह था। हाँ। वो छेरी चराने गया था जंगल में। अच्छा। तो उधर से वो शोर मचाते इधर आए, चार। अच्छा। 4 बजे। हाँ। तो उधर से आके वो इधर गांव में शोर मचाए कि उधर चोर है चलो। तो पूरा पब्लिक इधर से 17-18 लड़के और लेडीज आंटी लोग इधर से गए उधर जंगल में। वो बल्लू लेके गए उधर जंगल में। तो उधर देखे हम लोग तो बोरी गेहूं का बोरी था। हाँ। तो उधर पे पहले एक चौकीदार पहुंचा। हाँ। उसका नाम क्या, पप्पू नाम था। हाँ। गुंता के रहने वाले हैं। हाँ। वो पहुंचे, उसके बाद वो फोन लगाए तो उसका दूसरा चौकीदार आया, फिर तीसरा आया। हाँ। तो लोग बोले कि इसका रिकॉर्डिंग और वीडियो नहीं बनाना। हाँ। और किसी से बोलना भी नहीं। हाँ। और ऐसे बोले कि कुछ खर्चा ले लो, पैसा ले लो ऐसे। फिर कुछ लोग को पैसा दिया, 1000 रुपए उनको घूस दिया। और बोले दिया ये घूस, ये हुआ बियर हाउस का। हाँ, हाँ, हाँ। दीपांशु। अच्छा। हाँ दिए हैं, दीपांशु दिए हैं उनका 1000 रुपए। हाँ, हाँ। जिनका सिल्ले नाम है। हाँ। तो उनको दिया 1000। आपके सामने दिए हैं? हाँ, हम लोग के सामने। और क्या बोले? बोले कि ये ले, पैसा ले लो 1000 रुपए। हाँ, हाँ। और किसी से बोलना नहीं। हाँ। ठीक है ना। आप लोग क्या किए? हम लोग फिर बोले कि ठीक है ऐसा बोला, पर क्या है कि हम लोग को अच्छा नहीं था ये चोरी। हाँ, लोग किए। हाँ, हाँ। तो उन लोग का पैसा दे के 1000 रुपए मुंह बंद कराने के लिए। हाँ, 1000 रुपए दिए। अच्छा। हाँ, तो लोग उतने में मान गए। हाँ, हाँ। पर हम लोग जो सच्चाई है वही बोलेंगे। अच्छा। ये सच्चाई है कि गुंता के छेरी है चरवाहा, उनका नाम राजेश है। हाँ। बल्लू। हाँ। हाँ। तो छेरी अपन वो कहीं चरावा रहे हैं बेयर हाउस के पीछे नीचे बहरी में। हाँ, हाँ। करीब 4:30-4 बजे के बाद के है। हाँ, हाँ। तो वहाँ जब लोग चरावा रहे छेरी। हाँ। तो चरावा छेरी गए जब बाहर किनारे गए। हाँ। तो देखिन तो वहाँ बोरी पड़ी है। अच्छा, कहे के? गेहूं का। अच्छा। और दवाई का पेड़ है। हाँ, हाँ। और वहाँ नीचे बेयर हाउस का पन्नी भी बिछी है। हाँ, हाँ। जंगल में। जंगल में। हाँ, हाँ। फिर और एक जाली के 5 बोरी जाली के यहाँ पर और 5-6 बोरी जाली के ओह पर। अच्छा। गेहूँ मिला। हाँ। तभी लोग सोचे कि हो गया गेहूँ है, पड़ा है तो पड़ा है। हाँ, हाँ। अपन चरावा रहे। हाँ। तो वहाँ 2-3 आदमी का जब मूड़ी लोग दिखे। हाँ, हाँ। तो बोले छेरिया चोरा है। हाँ। तो ये अपन छेरी ढहरा के यहाँ लाए गाँव किनारे। हाँ, हाँ। और फिर के बाद यहाँ आए तो बल्लू नाम वो बोला कि छेरिया चोरा हुआ है। हाँ, हाँ। छेरी पकड़े है। अच्छा। तो ही अपने यहाँ के 10-25 लोग ले लाठी डंडा अपन गए। कहाँ गए? वही बहरी। अच्छा। तो जब देखे तो वहाँ गेहूं। राम मदन नाम कहा तो उनका बुलाए के ले गए। तो वो बुलाए पप्पू चौकीदार। हाँ। कहा कि चल तोर गेहूं वहाँ पड़ा है। हाँ। बाहरी के वहाँ पार है, बार बार तय गुंता गांव वाले लड़कन का। हाँ। फसौती है। हाँ।
तो उ गए तो दिखीन, फिर वो अपने चौकीदार का दीपांशु का फोन करी, दीपांशु आवा, दीपांशु के साथ एक और आवा, अभी वो कहीं कि हल्ला ना करा। अब भाई वहाँ आदमी हल्ला मचा ही रहा है तो बिल्कुल हल्ला नहीं करे देता ही, कहीं चलो ठीक है जो कुछ हुआ तो हुआ, गांव में शोर नहीं मचाना, हल्ला भी नहीं करना और वीडियो नहीं बनाना, रिकॉर्डिंग नहीं बनाना। तो लड़का अपन इधर उधर से बना लेने दो चार वीडियो, फिर के बाद वहाँ से ही का करी कि चले आए। जब चले लागे तो दीपांशु बोला कि ऐसा करो कि 1000 रुपया ले लो और बोरी यहाँ से वहाँ रखवा दो, तो जितने लड़का रहे तो नाम तो पता नहीं आए, तो अपन बोरी बियर हाउस में रखी, 1000 पैसा दी। अच्छा।